नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता ने ड्राइवर को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, कार पर हल्की खरोंच से गुस्साया और डंडे से पीट पीट कर किया आदमरा। सूरतगढ़ इलाके में बेखौफ फौते जिप्सम माफिया, बोलेरो में आए आधा दर्जन बदमाशों ने किया पत्रकार पर धारदार हथियार से हमला। पावटा में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, नकदी सहित घरेलू सामान व पशुओं का चारा जलकर हुआ खाक। और खबरें विस्तार से। सत्ता के नशे में नेताजी ने एक कार ड्राइवर को डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। मामूली बात से गुस्साए कांग्रेस के एक छुट भया नेता का रोब इतना था कि पीड़ित को बचाने कोई आगे नहीं आया। नेताजी की दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस उन पर कार्रवाई की बात कर रही है। मामला श्री गंगानगर के रायशीनगर का बताया जा रहा है। सोमवार देर शाम को कांग्रेस के स्थानीय नेता अशोक रॉयल रेलवे क्रॉसिंग की ओर जा रहे थे। फाटक बंद होने के कारण उनके आगे चल रही कार अचानक रुक गई। इस दौरान कार ड्राइवर रविंदर सिंह ने गलती से बैक गियर लगा दिया और नेताजी की कार को खरोंच मार दी। इस बात से अशोक रॉयल गुस्सा हो गए और नेताजी की दबंगई का एक वीडियो सामने आया जिसमें नेताजी कार पर डंडा मारती और युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। कार की टक्कर से नेता बाग बबूला हो गए और कार से उतरकर दूसरी गाड़ी को ड्राइवर से झगड़ा करने लगे। नेता ने गुस्से में आकर डिग्गी में रखा एक रबड़ का डंडा निकाला और डंडा निकालकर आगे खड़ी कार के ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। पीछे भागकर ड्राइवर को पकड़ा और पीटता रहा। ड्राइवर के शरीर पर डंडे के निशान हो गए। पावटा से खबर, जहां बढ़ती गर्मी को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया व ओम प्रकाश भड़ाना व जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के निर्देश अनुसार भाजपा जयपुर जिला देहात उत्तर के ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा विराटनगर शहर में हॉस्पिटल रोड पर निःशुल्क शीतल पेयजल की प्याऊ लगाई गई। भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष गौरव सिंह ने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए निःशुल्क शीतल पेयजल की प्याऊ लगाई गई है, जिसका शुभारंभ जयपुर जिला देहात उत्तर के ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता द्वारा राहगीरों व लोगों को जल पिलाकर किया गया। खबर सूरतगढ़ से, जहां बीती रात डीपीके न्यूज के पत्रकार सुभाष चौधरी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी बोलेरो में आए आधा दर्जन बदमाशों ने धारदार हथियार से पत्रकार पर हमला किया, जिससे पत्रकार के सर और हाथ पर गंभीर चोट आई। घायल सुभाष चौधरी का राजकीय चिकित्सालय में इलाज चल रहा है, लेकिन उसके बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया। खबर मिलने तक आरोपियों पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किशनपुरा आबादी के नंदीशाला के पास की घटना है। पाली से खबर, जहां एक्सएन यज्ञदत्त विधुआ को 13 लाख रुपए रिश्वत लेते मंगलवार को गिरफ्तार किया। रिश्वतखोर के कब्जे से एप्पल का लैपटॉप मैकबुक भी बरामद किया गया। रिश्वत में महंगा लैपटॉप मिलने के बाद लालच बढ़ता गया और रुपयों की डिमांड करने लगा। कार्रवाई में एसीपी उदयपुर की टीम ने पाली में की है। मामले में ब्यावर गोमती पैकेज 2 के प्रोजेक्ट मैनेजर विमल कुमार पुत्र बद्री नारायण ने शिकायत की थी। एसीपी उदयपुर के डिप्टी हेरम जोशी ने बताया कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया यज्ञदत्त विधवा जयपुर के रिधि सिद्धि गोपालपुरा का रहने वाला है। उसके घर पर भी छानबीन की जा रही है। अधिकारी पीडब्ल्यूडी का है, फिलहाल नेशनल हाईवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि काम के बदले एक्सियन कई बार रुपयों सहित अन्य सामान की डिमांड भी कर चुका है। इससे पहले भी यज्ञदत्त विधवा एप्पल का महंगा लैपटॉप मांगा था। लैपटॉप लेने के बाद लालच बढ़ता गया और डिमांड करता गया। विधवा पाली के पीडब्ल्यूडी ऑफिस में बैठता था। पावटा में उपखंड पावटा के निकटवर्ती गांव हीर की बावड़ी ढाणी निमावत ताली में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, जिससे नकदी सहित घरेलू सामान व पशुओं का चारा जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने से 15 गेहूं की बोरी, 2 बोरी खल, 20 किलो सरसों का तेल और 15 किलो गुड़ और 25,000 नगद राशि व 30 मण पशुओं का चारा, एक कूलर, चारपाई और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना में पीड़ित गृह स्वामी रामजीलाल मीणा पिता क्यारसी लाल मीणा ने बताया कि मेरे घर में अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखी हुई नकदी और घरेलू सामान, पशु चारा, अनाज जलकर राख हो गया। यह घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई। उन्होंने बताया कि जब आग की लपटें काफी तेज हो गई तो मुझे आसपास के लोगों ने सूचना दी, आपके घर में आग लग गई। वहीं छुट्टी पर आए फौजी बनवारी लाल मीणा ने जलती आग में गीला कपड़ा लपेटकर घर के अंदर घुसा और गैस सिलेंडर को बाहर निकाल लाया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। खबरों में फिलहाल इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें। नमस्कार।
We'll be right back.